हेलो गाइस, आज मैं जा रहा हूँ रेलवे कोच रेस्टोरेंट, लखनऊ का पहला रेस्टोरेंट जो कि रेलवे थीम पे बना हुआ है। आइए मैं इस ब्लॉग में आपको वहाँ के ले जाता हूँ और आप चलिएगा मेरे साथ इस सफ़र पे। गाइस, मैं जहाँ जा रहा हूँ उसे ओपन हुए अगस्त एंड वीक में ओपन हुआ था और अभी सितंबर थी 2023 है। दिल्ली में रनवे वन रेस्टोरेंट है जो कि एयरप्लेन थीम बेस्ड है और वैसे ठीक दिल्ली की तरह लखनऊ में, लखनऊ की शान में रेलवे कोच रेस्टोरेंट है जो कि रेलवे ट्रेन थीम पर बेस्ड है पूरी तरीके से। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, इनॉग्रेशन हो चुका है आज से 5 दिन ठीक लगभग पहले। मैं अभी रास्ते में हूँ और जल्दी चारबाग पहुँच जाऊँगा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ का नज़ारा। लखनऊ शहर, भारत की शान, जय भारत। मैं आ चुका हूँ लखनऊ में चारबाग रेलवे स्टेशन पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे तेलीबाग से लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पे मैं आ चुका हूँ। अब मैं जाने वाला हूँ रेलवे कोच रेस्टोरेंट। ये लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन और मेट्रो स्टेशन के बीच में है चारबाग के। चारबाग रेलवे स्टेशन लखनऊ स्टेशन की शान है, आप देख सकते हैं इसकी खूबसूरता को और एट्रैक्टिव नज़ारे को। चारबाग रेलवे स्टेशन काफ़ी हिस्टोरिकल है और इसका पेंट और क्लासिकल लुक है एकदम, और ये काफ़ी बड़े एरिया तक फैला हुआ है, आप देख सकते हैं दूर तक। कभी यहाँ से मेरा रोज़ आना जाना हुआ करता था, मैं वाराणसी जा चुका हूँ, आगरा जा चुका हूँ। बाहर भले ही ज़्यादा भीड़ ना दिखे पर एक बार जैसे आप अंदर चले जाएंगे आपको भीड़ दिखेगी काफ़ी ज़्यादा। अपने 9 नंबर के कदम से मैं जा रहा हूँ रेलवे कोच रेस्टोरेंट पे धीरे धीरे। रेल कोच रेस्टोरेंट रेल के डिब्बे जैसा है, इसमें यात्री बैठ जाते हैं खाने के लिए और असली ट्रेन में तो लोग सफ़र के लिए बैठते हैं। ये देखिए एंट्रेंस का लुक, यहीं से आप अंदर जाएंगे और आप सीढ़ियों से स्टेयर्स होके ऊपर चढ़ पाएंगे। रेल के डिब्बे को साइड से कवर कर रखा है, ये देखिए एंट्रेंस, और यहाँ पे फूड कार्ट्स अवेलेबल हैं जहाँ पे आप फास्ट फूड खा सकते हैं जिनके प्राइस काफ़ी किफ़ायती हैं। आप यहाँ देख सकते हैं रेल के डिब्बे एक एक की सवारियाँ खिड़कियों जैसा दिख रहा है, यहाँ पर अलग अलग कार्ट शामिल हैं जिसे आप खा सकते हैं और लुत्फ़ उठा सकते हैं यहाँ का। मेन्यू की बात करें तो आप देख सकते हैं बिल्कुल अंदर जैसे ही आप जाएंगे कवरिंग में साइड में यहाँ पे आपको मेन्यू दिखा रहेगा रेलवे टाइमिंग के हिसाब से, जैसे कि रेलवे डेट टाइम दिया रहता है। ये वहाँ का सेल्फी पॉइंट। ट्रेन को पकड़ते हैं आप जल्दी से, ज़्यादा जल्दी नहीं है क्योंकि 24/7 अवेलेबल रहती है यहाँ पर ट्रेन, और इस रेस्टोरेंट में हम लोग चढ़ेंगे। ये देखिए मैं अंदर आ चुका हूँ यहाँ पे और बाहर देखिए आप आ रहे हैं धीरे धीरे, और ये देखिए यहाँ पे पैसेंजर्स चढ़े हुए हैं कितने ज़्यादा, और ये लुक एथनिक व्यू। वेज बिरयानी ऑर्डर कर दी और उसे आने में अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए और वेट करते हैं, देखते हैं कितनी देर में आता है और मैं आपको रिव्यू तुरंत बताता हूँ यहाँ का। बाकी यहाँ पे एसी और काफ़ी कंफर्टेबल है। चार्जिंग पोर्ट ले रखा है यहाँ पे, आप अपने स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हैं। 24/7 सर्विसेज अवेलेबल हैं यहाँ पे, ये नंबर दिया हुआ है, आप कॉल कर सकते हैं। सर्विसेज थोड़ा डिले है। गाइस, हमारा ऑर्डर आ चुका है, हमने ऑर्डर किया था एक वेज बिरयानी और ये देख लीजिए ये आ गया यहाँ पे चटनी के साथ, अब इसमें हम सर्व करेंगे। Thank you.
पेट पूजा हो गई, अब हम लोग घर जा रहे हैं वापस तेलीबाग में। ज़्यादा आने का ना हमें टाइम लगा था, ना ही अब हमें जाने में बिल्कुल टाइम लगेगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नए ब्लॉग पे।